दोस्तों कनाडा जाना चाहते हैं या फिर यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे एजेंट के बारे में बताने वाला हूं जिस एजेंट के जरिए आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप भी यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के कमा सकते हैं लाखों रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो एजेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको भेज सकता है एस्टोनिया, रोमानिया, इटली, पोलैंड, क्रोएशिया, डेनमार्क और कनाडा जैसे बड़े देशों में। आपको यहां का वर्क परमिट मिलेगा दोस्तों अगर आप इनकी सर्विसेज लेते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में इस इमिग्रेशन एजेंसी के बारे में सब कुछ बता देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी टाइप का किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको जो है मैं इंफॉर्मेशन के तौर पर इस एजेंसी के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे करिएगा, ठीक है। मैं आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप स्टडी वीजा लेना चाहते हैं, वर्क वीजा लेना चाहते हैं या फिर किसी भी टाइप का टूरिस्ट वीजा वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको इस एजेंसी के अंडर सर्विसेज मिल जाएंगी ऐसी। साथ ही दोस्तों आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स भी देखने के लिए मिलेंगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी आपको, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। साथ ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कंट्री पूछ लो कौन सी चाहिए या फिर आप जॉब्स देख लो कौन सी चाहिए, हर जॉब अवेलेबल है, हर कंट्री अवेलेबल है। आपको जो है बुफे मिलने वाला है एक ही एजेंसी के अंडर में। इसीलिए भैया आज की इस वीडियो में आपके लिए एजेंसी लाया हूं ताकि आप भी इस एजेंसी की सर्विसेज के बारे में जान सके और आपको अगर कॉन्टैक्ट करना हो इन्हें या फिर इनकी सर्विसेज लेनी हो तो आप ले सके, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताने वाला हूं, आपको जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर सारी की सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर इनके अंडर अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ने वाली है एक सीवी और कवर लेटर की, और वो सीवी और कवर लेटर जो है इंटरनेशनल ATS फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपके पास वो सीवी कवर लेटर है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने लिए सीवी कवर लेटर नहीं बना पा रहे हैं, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और हमसे अपना सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। अब वापस आ जाते हैं एजेंसी की डिटेल्स दोस्तों। जिस एजेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ये एक साल में करीब 2500 एम्प्लॉइज हायर करती है और अलग अलग कंट्रीज में भेजती है दोस्तों अलग अलग एम्प्लॉयर्स के पास। तो आपके पास भी मौका है दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, अब मैं आपको जो है वेबसाइट पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं इस एजेंसी के बारे में और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कैसे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी दे देता हूं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जिस एजेंसी की बात मैं कर रहा था उस एजेंसी का नाम है प्रवेश ग्रुप। आप इस एजेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी पा सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गूगल पर जाइए प्रवेश ग्रुप टाइप कीजिए, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहली वेबसाइट ही इस एजेंसी की देखने के लिए मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इनके होम पेज पर जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहीं पर आपको कुछ छोटे मोटे लिंक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे इसी एजेंसी से रिलेटेड, लेकिन हमें जो है इनके होम पेज वाले लिंक पे क्लिक करके इनके होम पेज पे आ जाना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और गल्फ में जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड क्वालिटी कंसल्टेंसी सर्विसेज, साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। आप जो है सेनेगन वीज़ा भी ले सकते हैं इनकी मदद से, इनकी सर्विसेज लेकर के, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वीज़ा सिक्योरिंग, इमिग्रेशन, टूरिज्म, वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट दिलवाते हैं यूरोप में, और यूरोप में ऐसा नहीं कि एक दो कंट्रीज़ में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको जो है ये सर्विसेज देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 जॉब्स मंथली, आई गेस मैंने वीडियो में ईयरली बोला था, लेकिन आप देख सकते हैं मंथली 2500 लोगों को हायर करते हैं और अलग अलग जगह पे जो है भेजते हैं और अलग अलग एम्प्लॉयर्स के अंडर भेजते हैं। यहां पर आपको नीचे जो है इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही ये जो लोगों को भेजते हैं उनके इमिग्रेशन के फाइल पेपर वगैरह जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि किसका वीजा लग गया, कहां का वीजा लग गया, सारी की सारी फोटो, मतलब अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हैं अपनी वेबसाइट पर। और ये वेबसाइट जो थोड़ी सी स्लो है दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी आप इस वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दिस मंथ दिस ईयर के अंडर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगे कि कितने लोगों को वीजा मिला है, साथ ही आपको यहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी देखने के लिए कि कौन सी कंट्री में अभी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और कितनी जो है एवरेज सैलरी मिल रही है किस कंट्री में, ठीक है। स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इटली, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, अलग अलग कंट्रीज अवेलेबल है दोस्तों यहां पर, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, और हर कंट्री की आप देख सकते हैं कि उनके जो नेशनल करेंसी है उस करेंसी में जो है सैलरी भी लिखी गई है, ठीक है। साथ ही आप देख सकते हैं स्लोवाकिया वर्क परमिट, कनाडा वर्क परमिट, पोलैंड वर्क परमिट, इटली वर्क परमिट, डेनमार्क वर्क परमिट, अलग अलग जगह के वर्क परमिट, वर्क वीजा दिलवाते हैं ये लोग आपको जो है किसी भी मतलब कंट्री से रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है तो वहीं नीचे आपको लर्न मोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसी पेज पे जो है आपको नीचे की तरफ आने के बाद जॉब लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों, किचन हेल्पर इन क्रोएशिया, हाउसकीपर इन क्रोएशिया, वार्म पिकर पैकर। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, यहीं पर आप देख सकते हैं फार्म सुपरवाइजर, ऑर्चर्ड वर्कर, फार्म लेबरर, और किसी भी अगर आप जॉब पे क्लिक करोगे तो जॉब पे क्लिक करने के बाद आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ देखिए एजुकेशन जो है कुछ भी नहीं मांगी जा रही है, नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स, उसके बाद आप देख सकते हैं रूरल एरिया में काम करना होगा, 10 लोगों को सुपरवाइज करना होगा, कुकुम्बर की खेती होगी, सारी की सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। और राइट साइड में जो है आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेगा
जिसमें आपको फुल नेम, ईमेल डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, करंट एड्रेस डालना है, कवर लेटर आपको जो है पेस्ट करना है दोस्तों, CV अपलोड करना है और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पासपोर्ट की फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर एक वो PDF बना करके अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा फॉर्म है, इस छोटे से फॉर्म को कोई भी भर सकता है दोस्तों आराम से। आपको इस वेबसाइट पे आना है और किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस के ज़रिए होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको और भी जॉब वैकेंसी दिख जाएंगी। और कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपली जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं आप, इसी पेज पर ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, जाने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन है, इस कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इनकी जितनी भी ऑफिसेज अवेलेबल हैं ग्लोबली, उन सारी ऑफिसेज के आप एड्रेस देख सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह हर जगह जो है ऑफिस है अवेलेबल इनका, फ्रांस में भी ऑफिस है, पोलैंड में भी ऑफिस है। और किसी भी ऑफिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक कीजिए। जैसे अभी पोलैंड पर क्लिक किया मैंने और पोलैंड की जानकारी आ गई है, यहाँ नेदरलैंड्स वाले ऑफिस की जानकारी आ गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो है इस एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको दे दी है मैंने। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी इनके अंडर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, CV का वैलिडिटी जरूरत पड़ने वाली है, वो जल्दी से बना लीजिए या फिर बनवा लीजिए, किसी से भी आप बनवा सकते हैं दोस्तों, और फिर जो है इस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।